दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन प्रमोद वर्मा एवं उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज ललित शाक्यवार के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह सीएसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना ओरछा रोड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने ग्राम गौर गांव में हुई नकबजनी के आरोपियों के कब्जे से चोरी गया मशरूका बरामद करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। ज्ञातव्य होगी ग्राम गौर गांव में दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल के दरमियानी रात को जितेंद्र राजपूत के घर में दो चोर घुस गए थे, जिन्होंने उसके घर का सामान एवं ज्वेलरी व पड़ोसी का ई रिक्शा चोरी कर लिया था। जितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट पर थाना ओरछा रोड में अपराध क्रमांक 89/23 धारा 457 380 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों की पतारसी सुनिश्चित करते हुए मुखबिर सूचना पर दिनांक 11 अप्रैल को आरोपी प्रमोद अहिरवार पिता कालीचरण अहिरवार निवासी चौबारा थाना नौगांव को सौरा तिगेला एवं अजीत अहिरवार पिता दौलत राम अहिरवार निवासी राठ उत्तर प्रदेश हाल निवास पैप्टेक टाउन के सामने कल्याणी नगर छतरपुर को कल्याणी नगर स्थित उसके घर से पकड़ा गया। आरोपी प्रमोद अहिरवार के कब्जे से चोरी किया गया ई रिक्शा एवं घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं आरोपी अजीत के कब्जे से चोरी किए गए बर्तन गैस सिलेंडर अंगूठी सोने की हाय पायल एवं 1800 नकदी मशरूका कुल कीमती 2,00,000 रुपए का जब्त किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी ओरछा रोड अभिषेक चौबे, उप निरीक्षक मनशाराम राजपूत, सहायक उप निरीक्षक भान सिंह घोष, प्रधान आरक्षक अशोक पटेल, आरक्षक धर्मेंद्र चतुर्वेदी, आरक्षक गुलाब एवं आरक्षक राजेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ST अहमद की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।